गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 55 में एक्सरसाइज 4.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्यूब रूट फाइंड करना है नीचे दिए गए नंबर्स का, किस मेथड के जरिए? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। ठीक है, देखिए ए बी एंड एफ, ए बी एफ में आपको बताऊंगी, एन सी डी आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए नंबर, ठीक है। 91,125। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अब देखिए सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 टू 9, 9 प्लस 9 18, 18 आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 3 9, फिर देखिए 1 आएगा तो 1 3 से छोटा होगा तो हम 0 जा लेके जाएंगे तो 11 बन जाएगा। फिर तो 3 3 फिर से 9 जाएंगे, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 5 15। ठीक है, अब ये फिर 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 1 बचेगा तो 15 बन जाएगा, 3 5 15। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए फिर ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 10 लेंगे, 3 3 9, 1 बचेगा 11, फिर 3 3 9, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा तो 15, फिर 3 5 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1 बचेगा 15 तो 3 5 15। फिर ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा तो बन के 15 बन जाएगा, 3 5 15। ठीक है, फिर देखिए 3 से डिविजिबल होगा, 375, 3 1 3, 3 2 6, 1 बचेगा तो 15, 3 5 15। फिर आ गया 125। अब आपका 125 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 2 10, 5 5 25। 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, देखिए इसको हमने इससे डिवाइड किया तो इतना मिला, फिर इसको इससे डिवाइड किया तो इतना आया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो इतना आया, फिर इसको फिर 3 से डिवाइड किया तो 375 आया, 375 को 3 से डिवाइड किया तो 125 आया, इसको 5 से डिवाइड किया तो इतना आया, फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, कितने टाइम्स 3 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है तो 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, और 3 टाइम्स 5 है तो 1 2 3। ठीक, अब देखिए हम ग्रुपिंग करेंगे 3 3 की, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप बन रहा है, मीन्स 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। हम कॉमन ले लेंगे पावर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 9 5 45, तो ये आ जाएगा 45 का क्यूब, मतलब जो क्यूब रूट होगा 91,125 का वो होगा 45। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया, उसके बाद 3 3 की ग्रुपिंग की, फिर इसको इस तरह लिखा, फिर सबकी पावर कॉमन ले ली, तो और जो अंदर था उसे मल्टीप्लाई करती है तो 3 3 9, 9 5 45 का क्यूब आ गया, मतलब 91,125 का क्यूब रूट होगा 45। समझ में आया आपको। नेक्स्ट आते हैं बी नंबर में, बी नंबर है आपका 71,76,16, 1,75,616, 1,75,616। चलिए इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं हम, 1,75,616। ये देखिए
ये इवन नंबर है, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 1 बचेगा तो 15 बन जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा तो 16, तो 2 8 जा 16, फिर देखिए 1 छोटा है 2 से तो 0 जा लेके जाएंगे, उसके बाद ये 16 बन जाएगा तो 2 8 जा 16, ठीक है इतना आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 जा 2, ये 1 छोटा होगा 2 से तो 0 जा बा लेके जाएंगे, उसके बाद 19 बन जाएगा तो 2 9 जा 18, फिर 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 343 आपकी इवन नंबर नहीं है, ये 7 से डिविजिबल होगी, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 6 बचेगा 63, तो 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, देखिए कितनी टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स आपका 2 आया है, ठीक। तो 9 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 into 2 into 2, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसकी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3 3 की ग्रुपिंग कर ली हमने, देखिए ठीक है ग्रुपिंग की, तो ये देखिए 3 3 की ग्रुपिंग की हमने, तो ये एक ग्रुप आया मतलब 2 की पावर 3 इंटू फिर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 की होल पावर 3, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 की होल पावर 3, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो 56 की होल पावर 3 मीन्स क्यूब रूट आ गया 1,75,616 का कितना 56, ठीक है 1,75,616 का क्यूब रूट आ गया 56 और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एफ नंबर में, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर में 9,261 में। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, देखिए ये आपकी इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसके सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, 9 2 11 11 6 17 प्लस 1 18, सम ऑफ डिजिट्स 18 आ रहा है मतलब ये 3 से डिविजिबल है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 2 छोटा है 3 से तो हम 0 जा लेके जाएंगे, तो फिर उसके बाद 26 बनेगा तो 3 8 जा 24, 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6, 27 बचे बनेगा, 3 9 जा 27, फिर इससे 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अब देखिए 343 आ गया, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। तो देखिए 9,261 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ग्रुपिंग कर लिया, देखिए हमने एक ग्रुप बना 3 का, एक ग्रुप बना 7 का, इसको 3 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर लिख किया हमने होल पावर 3, तो 3 7 जो कितना हो जाएगा 21 की होल पावर 3, मीन्स क्यूब रूट जो है आपका 9,261 का क्या आ गया 21, मीन्स 9,261 का क्यूब रूट होगा 21 और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में,